इसी बार में जेजेपी बीजेपी जीतेगा। एंड हाउ इज द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे है? डेवलपमेंट अच्छा है, रोड्स वगैरह पूरा अच्छा कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टाइम में बीजेपी आएगा। हाउ इज सीएम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की परफॉर्मेंस कैसे है? तुम अच्छा है, अभी तो शुरुआत है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उन्होंने आके 5 महीने हो रहे, अभी आगे जाके अच्छा ही करेगा। तेलंगाना की बात, मैं तेलंगाना के वोटर से पूछता हूँ, अरे कैसे है तेलंगाना की इस डेवलपमेंट, सिकंदराबाद की डेवलपमेंट, कौन जीतेगा? वो किशन रेड्डी जीतेगा बीजेपी से। किशन रेड्डी एक गुड मिनिस्टर है, मोदी की मंत्रिसभा में वो सेंट्रल मिनिस्टर है, कैसा है उनका परफॉर्मेंस? उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लास्ट टाइम उन्होंने 50,000 वोटों से ज्यादा भी जीत गया, इस तरह वो 1,00,000 जरूर मिलेगी या नहीं? मिलेगा, इस बार भी जरूर जीतेगा। मुझे पता है कि ये बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना सिकंदराबाद, क्योंकि बंगारू दत्तात्रेय जी ने पिछले वर्ष से जीता है, इसलिए वो एक ट्रेडिशनल बीजेपी लैंड है ना। 4 times से बीजेपी जीत रहा, इसी बार भी बीजेपी जीतेगा। एंड हाउ इज द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे है? डेवलपमेंट अच्छा है, रोड्स वगैरह पूरा अच्छा कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट टाइम भी बीजेपी आएगा। ओके, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है ना, कैसे है इस स्थल की टूरिज्म? चार मीनार, रामूजी राव फिल्म सिटी आसपास है, कैसे है टूरिज्म? पूरा डेवलपमेंट अच्छा है, अभी हमारा सिकंदराबाद स्टेशन भी डेवलप हो रहा है, अभी 600 या 700 crore से बीजेपी नरेंद्र मोदी ने अच्छा कर रहा है अभी। ओके, आधुनिक टेक्नोलॉजी से अच्छा बना रहा है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम रजनीकांत है। रजनीकांत, वो फिल्म स्टार के नाम आपके? ओके, अच्छे अच्छे। आपका बिजनेस कैसे है? बिजनेस चल रहा, अच्छा है चल रहा। कैसे लोग लोग आसपास आएगी, कैसे है लोग एक इस रेलवे स्टेशन बहुत बहुत कंजेस्टेड रेलवे स्टेशन है ना, लोगों एक दिन ज्यादा 1,000 लोगों में आता है ना। अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन को बड़ा कर रहे हैं, और 2-3 साल तो लगेगा। ओके, फिर भी मोदी आएगा, मोदी जी आएगा या नहीं? आएगा, जरूर आएगा। कितने सीट मिलेगा? 400 पार। 400 पार, ज्यादा? 400 से ज्यादा आएगा। पक्का? पक्का। कैसे अच्छा। कैसे बोलते हैं, उन्होंने बोलता कि 370+ है, वो कैसे इतने शुरू से बता दो, कैसे 400 क्रॉस होगा? तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा? कांग्रेस को 5-6 सीट मिलेगा। मिलेगा इस तेलंगाना में कितने सीट मिलेगा? वही 5-6 सीट मिलेगा तेलंगाना में। ओके, बीजेपी को 10 के ऊपर मिलेगा। बीआरएस छोड़ गया सब? बीआरएस एक दो आएगा। इस चुनाव की लड़ना कांग्रेस और बीजेपी के साथ है, बीआरएस नहीं है ना? नहीं, ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस। वही, दैट इज सो। बीआरएस को क्या हो गया? बीआरएस अभी 3rd place में चले गए, जो भी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लास्ट टाइम निजामाबाद चंद्रशेखर राव की बेटी कविता जी की मंडल है ना, वो कविता जी इस चुनाव लास्ट टाइम चुनाव में हार गया, बीजेपी ने जीता, वो फिर भी हार गए, कैसे? वो बीजेपी जरूर जीतेगा, निजामाबाद भी जरूर जीतेगा। किस मंडल, किस किस क्षेत्र में बीजेपी जीतेगा, क्या तुमको एक रफ स्केच दे दूंगा? मलकाजगिरी, सिकंदराबाद और निजामाबाद, करीमनगर। करीमनगर भी जीतेगा? नलगोंडा लास्ट टाइम कैसे है इस उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी की परफॉर्मेंस? नहीं, अभी तो अच्छा ही कर रहे हैं वो लोग, अभी टाइम लगेगा, ये 5-6 महीने हो रहा वो लोग आके, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस पूरे इस तेलंगाना की डेवलपमेंट को कितना मार्क आपने दूंगा? 10 marks दूंगा। और हाउ इज सीएम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की परफॉर्मेंस कैसे है? तुम अच्छा है, अभी तो शुरुआत है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उन्होंने आके 5 महीने हो रहे, अभी आगे जाके अच्छा ही करेगा। आप फिल्म्स देखता है? नहीं, रजनीकांत की नाम ऐसे इसलिए मैंने सुना। नहीं, यहाँ पर चार मीनार के लिए कितना दूर है?
यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर है। और रामूजी राव सिटी 40 किलोमीटर। सर सो आसपास चार मीनार है ना। ओके ओके ओके। हैदराबाद में कौन जीतेगा, ओआईसी और बीजेपी? हैदराबाद में टफ कंपटीशन तो है, अभी बोल नहीं सकते कौन जीतेगा। कुछ लोगों ने बुलाया कि कांग्रेस में सानिया मिर्जा चुनाव लड़ेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं शुरुआत कर दी, क्यों? नहीं, सानिया मिर्जा को नहीं दिए, कांग्रेस वाला दूसरा आदमी को दिए, वो अभी नहीं बोल सकेगा। टफ कंपटीशन तो बहुत टफ है। ओके ओके, कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए मैं आता हूँ, आना चाहता हूँ कि हैदराबाद और इस तेलंगाना के देश में ज़रूर इस कांग्रेस और बीजेपी का लड़ता है। कांग्रेस बीजेपी तमिलान मुख्य പോരാട്ടം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരുപക്ഷെ 4-5 സീറ്റുകൾ കിട്ടിയിരിക്കാം, പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് 10-ൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.